जय गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव वो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मी श्री गुरुवे नचनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते वास्तुशास्त्र के इस उन्नीसवें पाठ में आप सभी का स्वागत है और ज्योतिष के अंतर्गत ये छठवा पाठ जिसमें हम ग्रहों के गुण स्वरूप उस पर विचार कर रहे हैं इसी क्रम को आज आगे, आगे बढ़ाएंगे आज से एक नया प्रयोग भी आरंभ करते हैं जिसमें आप हमारे साथ साथ एक श्लोक का एक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आराम से बैठ जाएं स्ट्रेट वर्टिवल कॉलम सीधा सर्वे भवन तो सुखी सर्वे संत निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवे एक प्रयोग आरंभ किया जिसके अंतर्गत अपन प्रतिदिन प्रति पाठ में हर पाठ में एक श्लोक कहो मंत्र कहो है ना नीति से संबंधित हो संस्कृत से संबंधित हो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से संबंधित हो तो ये शांति मंत्र था अर्थ को अपन देखेंगे आराम से तो प्रतिदिन एक श्लोक का उच्चारण और उसका भावार्थ उसको समझने का देखने का प्रयास करें। तो आज का पाठ आरंभ करते हैं ज्योतिष शास्त्र छठवा पाठ ग्रहों के गुण स्वरूप इसमें हम ग्रहों की प्रॉपर्टीज को देखने का समझने का प्रयास करें। इसके पश्चात श्लोक क्रमांक चालीस में कहते हैं कि सूर्य का जो संबंध है वो स्थूल वृक्ष से है जो वृक्ष मजबूत हैं बड़े हैं विशाल हैं इस प्रकार के जो वृक्ष हैं उनका संबंध जो है वो सूर्य ग्रह से है सूर्य प्लैनेट से जिनमें जल की मात्रा अधिक है जल की मात्रा अधिक है उनका संबंध चंद्रमा से दूध शब्द का प्रयोग किया कि दूध वाले जो वृक्ष हैं उनका संबंध चंद्रमा से है कटु जो वृक्ष हैं उनका संबंध मंगल से फल वाले वृक्ष का संबंध गुरु से फूल वाले वृक्ष का संबंध शुक्र से है पुष्प वृक्ष शुक्र से है और जो रस से रहित हैं नीरस हैं, ऐसे वृक्ष का जो संबंध बताया है वो शनि से बताया है तो यहां जो वृक्ष हैं जो स्थूल हैं बड़े हैं विशाल हैं मजबूत हैं वो सूर्य ग्रह से हैं उनका संबंध जिनमें दूध या पानी की मात्रा अधिक है वो चंद्र से हैं, कटु जो वृक्ष हैं वो मंगल से हैं जो फल रहित हैं वो बुद्ध से रिलेटेड हैं जिसमें फूल लगते हैं वो शुक्र से रिलेटेड है जिसमें फल लगते हैं वो गुरु से रिलेटेड है और जो नीरस हैं जिनमें रस नहीं है वो शनि से रिलेटेड है इस प्रकार से उनका वृक्षों का और ग्रहों का संबंध बताया है उसके बाद कहते हैं विशेष रूप से राहु केतु के रेफरेंस में राहु केतु के, के संदर्भ में कि जो चाणाल अंत्य जाति के हैं उनका संबंध राहु से है जो मिश्र जाति के हैं अंतर जाति के हैं उनका संबंध केतु से है और राहु केतु और शनि का जो स्थान बताया वो दीमक वाला स्थान बताया जो दीमक होती है उसका स्थान बताया फिर कहते हैं देखो राहु का जो कपड़ा है वो अनेक रंग की गुदड़ी कहा जो छेद या छिद्र युक्त तो वस्त्र है वो केतु से संबंध बताया राहु की धातु शीशा और केतु की धातु नीलमणि ऐसा बताया गया है तो ये सब अपन करेक्शन में शोधन में प्रडिक्शन में इन सबका अपन उपयोग करने वाले हैं तो ये आपको याद होना चाहिए तो राहु और केतु के वस्त्र तो बता दिए पहले अब अन्य ग्रहों के वस्त्र कहते हैं कि गुरु जो है वो पीतांबर कहा पीतांबर पीला पीला को हमेशा सुनहरा समझना शुक्र का कहा रेशमी सूर्य का कहा रक्त क्षोभम लाल रेशमी चंद्रमा का सफेद रेशमी बुद्ध का अपन पहले से हरा रंग उसका देख चुके हैं है ना कृष्ण रेशमी मंगल का लाल वस्त्र और शनि का चित्र व पट इस प्रकार का कपड़ा कहा गया है तो जब भी अपन करेक्शन की बात करेंगे शोधन की बात करेंगे ग्रहों की जब दिशाओं में अपन कोई चीज की स्थापना करेंगे तो वो किस रंग के वस्त्र में लपेट कर खिला आदि मान लो है और उसको इससे कोरिलेट करना है तो ये ग्रहों की जो दिशा है उसमें कौन से रंग का किस प्रकार से करेक्शन करना है तो वहाँ शोधन के रूप में उसका अपन उपयोग कर सकते हैं है ना उसके बाद इनकी ऋतुएं बताई है कि जो ग्रह है वो किस किस ऋतु में अधिक प्रभावशाली कौन सा ग्रह होता है अब उसका वर्णन आता है तो कहा है शुक्र जो है वो वसंत ऋतु में अधिक डोमिनेट करता है प्रभावशील रहता है प्रभावशाली रहता है सूर्य और मंगल ये ग्रीष्म गर्मी के ऋतु में प्रभावशाली रितु बताए गए इनकी ऋतु ये बताई गई है चंद्रमा की वर्षा ऋतु बुध की शरद ऋतु गुरु की हेमंत ऋतु और शनि की शिशु ऋतु इस प्रकार से छह ऋतुएं हैं उनका संबंध ग्रहों से बताया है राहु का समय आठ महीने और केतु का समय तीन महीने ऐसा बताया गया है तो अलग अलग ऋतु में मौसम में कौन सा ग्रह अधिक प्रभावशाली रहता है उसको यहां बताया है इसके पश्चात ग्रहों के संदर्भ में धातु मूल और जीव ऐसी तीन संज्ञा बताई गई है जब अपन प्रश्न कुंडली के अनुसार विचार करेंगे ये जो पाराशर है आगे जो वराहमेर के पुत्र हैं पृथु यशा उनका जब ग्रंथ को कभी मान लो स्टडी करने का अवसर प्राप्त हुआ तो ग्रंथ का नाम है शठ पंचाशी का छप्पन श्लोक की है उसमें प्रश्न कुंडली के आधार पर कि कोई कुंडली नहीं है और कोई जातक आ गया तो जिस समय वो आया और उसने प्रश्न किया उस समय की कुंडली बनाते हैं और उसको बनाते हैं और उसके आधार पर फल का विचार करते हैं तो यह तीन चीजें बताइए ग्रहों से रिलेटेड एक को कहा धातु संज्ञक दूसरी कहा मूल संज्ञक और तीसरी कहा जीव संज्ञक धातु मतलब सोना चांदी इत्यादि मूल यानी वनस्पति जीव यानी प्राणी तो जो कोई वस्तु गुम जाती है कर जाती है चोरी हो जाती है उसके संदर्भ में जब विचार करते हैं तब इनका उपयोग अधिक प्रकार से किया जाता है तो क्या कहा कि राहु मंगल शनि और चंद्र ये जो ग्रह हैं ये धातु संज्ञक हैं। इनके आधार पर जब विचार करेंगे उदाहरण अपन जब षठ पंचाशी का समझेंगे तब उसको देखने का प्रयास करेंगे सूर्य और शुक्र ये मूल संज्ञक मूल यानी वनस्पति मूल यानी पेड़ पौधे वनस्पति प्लांट्स ये मूल संजेक है और जीव यानी प्राणी चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु इत्यादि भी हो तो उनका संबंध ये कौन ग्रहों से होता है बुध गुरु और केतु इसके अतिरिक्त क्या कहा सभी ग्रह में शनि सबसे वृद्ध है सीनियर पर्सन है और आयु संघ में सबसे अधिक वर्ष देता है उसके बाद अब नया विषय जो अपन शुरू कर रहे हैं इसी में ग्रहों की आदि जो राशि है तो ये अपने को अच्छे से याद अब कर लेना है अभी तक जो अपन ने देखा वो ग्रहों के गुण उनके स्वरूप उनको अपन ने देखा समझा जाना अब राशियों का और ग्रहों का क्या संबंध होता है क्योंकि अधिकतर तो जो प्रेडिक्शन अपन करेंगे फलित अपन करने वाले हैं उसमें यही देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है कितने अंश पर है उसकी क्या दृष्टि है वो कहां, कहां देखता है अभी तक तो सब ये ग्रहों के गुण को स्वरूप को स्वभाव को प्रकृति को उनको अपन ने समझने का देखने का प्रयास किया अब यहां से जो शुरू होता है वो ग्रह और उनकी राशियां विशेष रूप से उच्च राशि उसके संदर्भ में अब वर्णन आरंभ होता है तो बारह राशियों के नाम अपन पहले देख चुके हैं मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर कुंभ मीन ये बारह राशियों के नाम अपन पहले देख चुके हैं अपने को राशियों के नाम उनके नंबर्स किस सीक्वेंस में है उसके साथ में पहले याद कर लेना है तो मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर कुंभ मीन ऐसे ये बारह राशियां हैं और इन बारह राशियों के स्वामी कौन है मालिक कौन है पति कह लो स्वामी कह लो मालिक कह लो वो ग्रह है प्लेनेट है तो राशि क्रमांक एक और राशि क्रमांक आठ मेष और वृश्चिक इसका स्वामी है मंगल मेष का स्वामी और वृश्चिक का स्वामी ये मंगल है दो और सात इसका स्वामी है शुक्र वृष कहो या वृषभ राशि कहो और तुला राशि कहो उसका स्वामी है शुक्र मिथुन का तीन और छ का मिथुन का और कन्या का इसका स्वामी है बुध तो ये मंगल शुक्र बुध ये दो दो राशियों के स्वामी हैं और चंद्र और सूर्य एक एक राशि के स्वामी है कर्क राशि का स्वामी है चंद्र सिंह राशि का स्वामी है, है सूर्य इसके बाद नीचे आए धनु और मीन नौ और बारह इनका स्वामी है गुरु नौ और बारह का स्वामी गुरु दस और ग्यारह का स्वामी शनि तो सूर्य और चंद्र ये एक एक राशि के स्वामी हैं इसके अलावा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि ये दो दो राशियों के स्वामी है तो इसको अच्छे से याद कर लें अभी यहीं तक देखेंगे आज ताकि ये अच्छे से याद हो जाएगा फिर अपन उच्च राशि में चलेंगे तो पहले जो आपको याद करना है समझना है कि राशि क्रमांक एक मेष और राशि क्रमांक आठ वृश्चिक उसका स्वामी है मंगल राशि क्रमांक दो वृष कहो हो या वृषभ का हो और क्रमांक सात तुला इनका स्वामी है शुक्र तीन और छह मिथुन और कन्या इसका स्वामी बुध चार कर्क का स्वामी चंद्रमा पांच सिंह का स्वामी सूर्य इस प्रकार से याद कर लेना और नौ और बारह धन रहो धन कहो धनु कहो उसका स्वामी गुरु और मकर और कुंभ इसका स्वामी शनि ये ग्रहों के कौन कौन सी राशि से संबंधित हैं किस किस राशि का स्वामी मालिक पति कौन सा ग्रह होता है उसको अच्छे से याद कर लेंगे तब तो अपन अगले पाठ में प्रवेश करेंगे जिसमें अपन ग्रहों की उच्च राशि को देखने समझने का प्रयास करेंगे अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव Thank